हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैक ग्लास अगर किसी आईफोन का चेंज हुआ है तो वो हम कैसे जान सकते हैं कि ये आईफोन की जो बैक है वो चेंज हो रखी है। गाइस, आईफोन एप्पल वालों ने जो डिस्प्ले और बैटरी या कैमरा वगैरह को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे अबाउट सेक्शन में लिखा जाता है इम्पॉर्टेंट डिस्प्ले मैसेज, इम्पॉर्टेंट बैटरी मैसेज या फिर कैमरा इशू, फेस आईडी इश्यूज। तो अगर बैक ग्लास हमारा आईफोन का चेंज है या फिर हम सेकेंड हैंड आईफोन बाय करने जा रहे हैं और उस आईफोन की जो बैक है वो ग्लास है और वो टूट गया था पहले यूज़र्स से और अब जो है उसने चेंज करवा कर सील कर दिया है, तो वो हम कैसे चेक करें कि बैक ग्लास चेंज हो गया है, बैक ग्लास चेंज्ड है। सो इस वीडियो को गाइज आपको लास्ट तक देखना है। और मुझे जो है ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो गए हैं आईफोन के वर्ल्ड में। सो मैं आपको एक बेटर काइंड ऑफ थिंग बता सकता हूँ कि इस आईफोन का बैक चेंज है या फिर, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे ही आईफोन्स यूज़ किए हैं। सो जस्ट भी आईफोन में बैक ग्लास रहेगा वो मैं आपको कैसे पता करना है वो मैं आपको बताऊँगा। चलो गाइज, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में नोटिस करोगे। तो यहाँ पर मैंने आईफोन एक्स का बैक ग्लास चेंज करवाया है, आईफोन एक्स आर का बैक ग्लास चेंज करवाया है। पहले ओरिजिनल में क्या चेंजेस थे जो डुप्लीकेट में नहीं आ सके, सो अगर वो भी आपको पता चल जाएगा कि एप्पल वालों से चेंज हुआ है या फिर जो बाहर आफ्टर मार्केट रिप्लेस हुआ है, आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले गाइस बात करते हैं आईफोन एक्स की, आईफोन एक्स आर की, आईफोन 11 या आईफोन 12 तक की। और आपको जो है इसमें नॉन प्रो मॉडल्स बता रहा हूँ, आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13 और आईफोन 14। गाइस, जिस भी आईफोन में आपको मैश दिखेगी माइक्रोफोन की, उसमें आप बड़े आराम से पता लगा सकते हो कि इस फ़ोन का बैक ग्लास चेंज्ड है या नहीं। चलो आओ मैं आपको बारीकी से बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेलिंग में। सबसे पहली चीज़ कि अगर जिस भी फ़ोन के ऊपर बफ गार्ड लग रखा है आपको वो रिमूव करना है सबसे पहली चीज़। गाइस, अगर आपका फ़ोन ब्लैक कलर का है तो आपको थोड़ी सी जो कलर है वो ओरिजिनल से चेंज्ड मिलेगा। आई होप सो कि आपको आँखों से पता चल जाए, लेकिन आँखों से देखने में पता नहीं चलने वाला है बिल्कुल भी कि इसका कलर चेंज्ड है, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट चीज़ें बन रखी हैं वो भी बहुत ही शानदार किस्म की हैं। लेकिन जो बंदा बैक ग्लास को डाल रहा है, उसको फिटिंग कर रहा है, उससे हमेशा गलती होगी। जो चीज़ मशीन ने करनी है वो कभी भी अपना कोई कारीगर नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़ें गाइज मैं आपको एक काफ़ी बारीकी से बताना चाहता हूँ। बाय द वे, मेरे पास अभी इसके ऊपर बफ गार्ड लग रखा है, इसलिए मेरे को जो एक पॉइंट आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पहले सबसे बड़े पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गाइज, ये जो आपको मैश दिख रही है ना, लेट मी क्लोज गेट अ क्लोज व्यू। सो अभी कैमरा का एंगल चेंज करता हूँ। सो जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये मैश दिख रही होगी। ये जो मैश है अभी बिल्कुल कैमरे के जहाँ ये जो फ्रेम है ना बिल्कुल ऊपर आ रखी है, बिल्कुल टच बिल्कुल चिपकी पड़ी है। लेकिन गाइस, जिस फ़ोन का बैक ग्लास चेंज होगा उसमें या तो ये मैश ज़्यादा ऊपर होगी या ऊपर नीचे होगी या नीचे होगी बिल्कुल ही या गायब रहेगी। आपको आईफोन XR में भी इसी तरीके से पता चल जाएगा, आईफोन X में भी इसी तरीके से। X में ये मैश नहीं मिलेगी आपको, X में और डिटेलिंग है, मैं आपको और वीडियो देता हूँ, मतलब और बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं X में देखनी है। जिस भी फ़ोन का बैक ग्लास चेंज है, सबसे पहले चीज़ आपको उसके कैमरा के साइड्स में, जैसे कि ये कैमरा का मेटल है, इसके साइड्स में ग्लू देखने को मिलेगी। आईफोन की यहाँ पर ये जो साइड्स रहेंगी यहाँ पर ग्लू देखने को मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि कुछ ग्लू का पोर्शन बाहर निकलता हुआ दिखेगा कुछ, जैसे कि अभी तो आप देख सकते हो फुली क्लीन्ड है, साइड्स भी इसकी पूरी टोटली क्लीन है, कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन जब आप बैक ग्लास चेंज करवाओगे तो इसके साइड्स पर जो ग्लू फिल की जाती है आफ्टर मार्केट, वो जो ग्लू है वो बाहर को निकलती है जब हम आईफोन के ऊपर बाहर रख देते हैं बैक ग्लास को अच्छे तरीके से चिपकाने के लिए। ये दो पॉइंट्स बहुत शानदार हैं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कि इस फ़ोन का बैक ग्लास चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आप आफ्टर मार्केट बैक ग्लास चेंज करवाते हैं तो वो जो बंदे हैं जो आफ्टर मार्केट, उनको जो है
बैक ग्लास जल्दी जल्दी चेंज करने की पड़ी रहती है, वो इतनी शानदार लेवल का काम नहीं करते जितना कि एप्पल ने किया हुआ है। एप्पल की ये जो मैश है, कल मैं आपको ये टॉपिक मुझे आज इसलिए सूझा क्योंकि मैं कल एक सेकंड हैंड आईफोन XR बाय करने गया था और मैं पहली बार में ही देखकर बता सकता था कि इस फ़ोन का बैक ग्लास चेंज है या फिर नहीं। वो मैं सिर्फ इस मैश के आधार पर बोल रहा था क्योंकि यहाँ पर इस मैश को कोई क्लीन नहीं करता, तो ऐसा कोई बहाना नहीं बना सकता कि क्लीन करते करते ये मैश निकल गई है। और ये मैश इतनी भी बारीक है, इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि ये क्लीन करते करते निकल जाए। सेकेंडली, ये जो मैश है जिस फ़ोन में बैक ग्लास चेंज है, या तो फिर वो उखड़ी हुई है मैश, यहाँ तो फिर मैश निकली हुई है, या फिर ज़्यादा अंदर दबी हुई है। क्योंकि जब हम बैक ग्लास चेंज करते हैं तो इतनी बारीकी नहीं देखते, क्योंकि उनको और भी कुछ डिटेलिंग देखनी पड़ती है साइड्स वगैरह से और कैमरे से, फ्लैश से। तो ये स्पीकर वेंट को या फिर माइक्रोफोन वेंट को इग्नोर करते हैं। सो ये मेथड्स हैं कि आईफोन में बैक ग्लास को कैसे चेक करना है अगर कोई एप्पल यूज़र जो है से कोई बैक ग्लास चेंज करवाता है। और अगर आप सेकंड हैंड आईफोन बाय करने जा रहे हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि ये बैक ग्लास फ़ोन चेंज है या फिर नहीं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट डे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच गाइज।